नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हूँ एक नए रेसिपी के साथ। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि हम पहुँच गए हैं बांस के पेड़ के पास। तो इसी बांस के पेड़ से हम लेंगे जो मुलायम वाला बांस का कल्ला निकलता है, तो वहीं वाला हम कल्ला यहाँ से काटेंगे और उसी का रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो को हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं बांस का पुल्ला। ये कीड़ा जो है काफ़ी बड़ा जो है केसर छोड़ा हुआ है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग पास से देख लीजिए। और काफ़ी बड़ा जो है कीड़ा है और काफ़ी लंबा भी है। सर हम पहुंच गए हैं बांस के पुल्ले के पास और लोग इसे कोपला भी बोलते हैं, तो हम लोग गांव में इसे पुल्ला कहते हैं बांस का। तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी हरा भरा पुल्ला निकला हुआ है बांस में। तो इसी पुल्ले को हम काटेंगे और घर ले चल कर हम इसी का रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और सब देख सकते हैं काफ़ी मुलायम है। तो बांस के पुल्ले को हमने काट लिया है, काफ़ी नरम है ये, तो इसे हम डलैया में रख लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला पुल्ला काफ़ी बांस का बड़ा है, तो इसे भी हम काट लेते हैं और ये भी काफ़ी मुलायम है। बांस के पुल्ले को हमने काट लिया है, चल रहे हैं घर जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। पुल्ले को लेकर हम पहुंच गए अपने चूल्हे के पास। तो सबसे पहले हम पुल्ले का छिलका उतारेंगे। छिलका हमने उतार लिया है और सब देख सकते हैं काफी मुलायम है, तो इसे हम ट्रीम कर लेंगे। तीनों बांस का पुल्ला का छिलका हमने उतार लिया है। आप सब देख सकते हैं कि पुल्ला जो थोड़ा टाइट था उसे हमने काट कर बाहर निकाल दिया है। आप सब देख सकते हैं कि ये बांस जो हमने लिया हुआ है काफी मुलायम है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कट रहा है। तो बांस की रेसिपी बनाने के लिए हमें बिल्कुल मुलायम वाला पुल्ला लेना है। तीन पुल्ले को हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो बांस के पुल्ले को हम साफ पानी से धो लेंगे दो बार। तो इसे हमें दो बार धोकर पूरी तरह से साफ कर लेना है। बचे हुए पानी को हम गमले में डाल देंगे। तो बांस के पुल्ले को हम सूती कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लेंगे ताकि जो इसमें पानी लगा हुआ है पूरी तरह से सूख जाए। पानी को हमने बहुत अच्छे से सुखा लिया है तौलिए में। बांस के पुल्ले को हम एक एक इंच का टुकड़ा काट कर रखेंगे। बांस के पुल्ले को हमने एक एक इंच का टुकड़ा काट लिया है, तो अब इसे हम पतले पतले पीस में काट लेंगे इस तरह से। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो इसे हमें पतले पतले पीस में काट लेना है इस तरह से। और बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है तो इसे हम चाकू से इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह हमें सब निकाल कर साफ़ कर लेना है रेसिपी बनाने के लिए। सारे पीस को काट कर हमने तैयार कर लिया है। तो बांस के पुल्ले को हम एक घंटे कड़ी धूप में रख देंगे ताकि जो इसमें नमी है पूरी तरह से सूख जाए। तो एक घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं बांस के पुल्ले का टेस्टी अचार, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो बांस के पुल्ले का अचार बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सरसों को थोड़ा दरदरा पीस लिया है और यहाँ पे हमने अमकुट पाउडर लिया हुआ है, नमक है, सरसों का तेल है और यहाँ पे हमने लाल मिर्च को पाउडर बना लिया है, लहसुन को हमने दरदरा कूट लिया है, मंगरेल है, मेथी है, जीरा है, हींग है और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है, राई है, सौंफ है, हल्दी पाउडर है,
और यहाँ पे हमने बांस के पुल्ले को काट कर इसे हमने धूप में 1 घंटे तक सुखाया हुआ है, जो इसमें नमी था नमी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो चलिए अचार बनाने के लिए आग को हम जला लेते हैं। तो आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रखेंगे चूल्हे पर। तो कढ़ाई हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम अचार बनाने के लिए साबुत मसालों को भून लेंगे हल्का सा। तो कढ़ाई में हम डालेंगे राई, 2 चम्मच हमने राई लिया हुआ है और 2 चम्मच हमने मेथी लिया हुआ है और 2 चम्मच जीरा है, 3 चम्मच सौंफ है और 2 चम्मच मंगरेल है। तो इन सभी साबुत मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं अचार बनाने के लिए। साबुत मसालों को हम हल्के आंच पे इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि अचार हमारा टेस्टी बने। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और इसमें से जो है चटकने की आवाज़ भी आ रही है। तो कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं और कुछ देर इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो मसाले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है और यहाँ पे हमने मिक्सी जार लिया हुआ है, मिक्सी जार में हमने लाल मिर्चा पिसा हुआ था, तो इसी में हम साबुत मसाले को डालकर पीसेंगे। तो दोबारा चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो अचार में तेल थोड़ा बढ़ाकर डालना है, तेल को हमने डाल दिया है, तेल को हम गर्म कर लेते हैं। तो तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग डालने से अचार काफ़ी टेस्टी लगता है और पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो हींग को हमने डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे दरदरा पिसा हुआ सरसों और उसी के साथ हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, जो हमने लहसुन को दरदरा कूटा हुआ था। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से पकाते हैं। हींग लहसुन और सरसों को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बांस का पुल्ला जो हमने लिया हुआ था, तो इसे इसी में हम डाल देंगे। तो इसे हम मसालों में अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों बांस का पुल्ला का अचार बनाने से पहले आप लोग को इसे बहुत अच्छे से सुखा लेना है ताकि पानी इसमें बिल्कुल ना लगा रहे। अगर पानी लगा रहेगा तो आपका अचार बिगड़ सकता है। तो सभी चीज़ों में हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से अचार में मिला दिया है, इसे अब हम ढककर इसे पकाते हैं। तो 5 मिनट हो गया, ढक्कन को हटाकर हम देखते हैं एक बार। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि तेल में अचार हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है, सरसों और हींग की काफ़ी अच्छी खुशबू अभी आ रही है। तो काफ़ी टेस्टी अचार हमारा बनने वाला है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसे हम चला देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पिसा हुआ था वो मसाले। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर तीखा आप अपने इच्छा अनुसार डालें, जितना पसंद हो उतना डालें। तो अब इसमें हम डाल देंगे अमकुट पाउडर, तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने अमकुट पाउडर लिया हुआ है, तो इसे भी हम डाल देंगे ताकि हमारा अचार चटपटा बने। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और अचार में थोड़ा नमक बढ़ाकर डालें ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। तो सभी मसालों को अच्छे से हम अचार में मिक्स कर देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि अचार इससे हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, काफ़ी टेस्टी अचार हमारा बनने वाला है बांस के पुल्ले का। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बांस के पुल्ले का अचार बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप इसे दाल चावल पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चटपटा अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो कढ़ाई को अब हम नीचे उतार लेंगे। तो अचार को सर्व करने के लिए कटोरी में हम निकाल देते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।